प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम पिछले एक वर्ष से बाबा जी के उन अंथक 36 वर्षों का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए समर्पित किए। साध संगत जी, ये सिर्फ 36 वर्ष नहीं, बाबा जी का तो बचपन से ही स्वभाव सत वचन करने वाला था। पटियाले के महापुरुष उस दिन बता रहे थे, जैसे उनको पटियाले में पिताजी ने कहना, उन्होंने अच्छा जी करके वही बात वैसे कर लेनी। उन्होंने बताया, एक बार नवंबर समागम के दौरान समागम ग्राउंड में बाबा जी तब सेठ जी के रूप में सेवा कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी समागम ग्राउंड में रिहायशी टेंटों में दर्शन देने के लिए आए हैं। यह बात सुन के बाबा जी भी उधर रिहायशी टेंटों की तरफ जब गए तो एक महापुरुष ने उनको रोक लिया, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर बाबा जी और राजमाता जी हैं। बाबा जी ने अच्छा जी कह के वहीं पे खड़े हो गए। अब वो चाहते तो अपनी पहचान बना के अंदर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साध संगत जी, एक मसूरी की भी घटना सुनने को मिली। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी और कई महापुरुषों के साथ बाबा जी सैर करने के लिए निकले कैमल्स बैक रोड पे। थोड़ा ही आगे गए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने बोला, ये रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, इससे किसी को भी ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। जितने भी महापुरुष साथ में थे सब ने सिर हिला के हामी भरी और साथ में आगे निकल गए। बाबा हरदेव सिंह जी, सेठ जी वहीं रुक गए। उन्होंने अपने गुरु का वचन माना और उस पत्थर को हटाया ताकि जब बाबा जी वापस आएं तो उन्हें यह पत्थर वहाँ पे नज़र ना आए। साध संगत जी, उसके बाद आप जानते हैं, जब बाबा जी के मजबूत कंधों पे ये मिशन की जिम्मेदारी पड़ी तो वह इस मिशन को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। हर एक बात को इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से हमको समझाया। साध संगत जी, कल ही बात चल रही थी कि एक घर में बाबा जी चरण डालने गए, उनके घर में जो सिंगल सीटर सोफ़ा था बाबा जी उस पर बैठ गए। इतनी देर में उनके घर का एक छोटा सा बच्चा आया, कहते बाबा जी आप छोटे सोफ़े पे नहीं बैठो, बड़े वाले सोफ़े पे बैठ जाओ। बाबा जी ने अच्छा कह के उस दूसरे सोफ़े पे जाके बैठ गए। और जैसे ही बाबा जी उस बड़े वाले सोफ़े पे जाके बैठे, जो छोटे सोफ़े के ऊपर एक पंखा लगा हुआ था वो नीचे गिर गया। तो एकदम वो छोटा सा बच्चा कहता है, बाबा जी देखो मैंने आपको बचा लिया। आगे से बाबा जी ने बड़े प्यार से उसको जवाब दिया, हाँ क्योंकि मैंने आपका कहना मान लिया। और भी अनेकों बातें। संप्रति 3 या 4 वर्ष की थी, एक दिन इतवार के दिन संडे को आके बोलने लग पड़ी बाबा जी के सामने, बाबा जी आज संडे है कि शनडे है। उसके बाद हर इतवार को बाबा जी के मोबाइल पे व्हाट्सएप स्टेटस होता, आज दिल्ली संगत वाला शनडे है, या बॉम्बे समागम वाला शनडे है, या दिल्ली समागम वाला शनडे है, या अगर हम टूर पे जिस स्टेशन के पे होते उस स्टेशन का नाम लिख के, आज फलानी जगह संगत वाला शनडे है। पहले तो हमें लगा एक बच्चे को ही बाबा जी कोट करके सबको हंसा रहे हैं, पर बाद में रियलाइज़ हुआ इंग्लिश में शन SHUN शन मीन्स टू स्टे अवे, अपने से दूर करना। बाबा जी ने हमें ये समझाया सिर्फ एक छोटे से इस सेंटेंस में कि जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, बुरी आदतें हैं, ईगोज़ हैं,
हम उन सबको अपने से दूर करें। हम जब संगत में जाते हैं तो अगर सारा कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट संगत से अच्छी बातें लेके आए, अपनी एक दो बुराइयां वहीं पे छोड़ के आए। सत्संग जी, एक बार मसूरी में ट्रैकिंग करते समय, आप सब जानते ही हैं बाबाई को स्पोर्ट्स का, ट्रैकिंग का, गेम्स का बहुत शौक था। ट्रैकिंग करते समय हम लोग काफ़ी नीचे उतर गए और जो ही काफ़ी नीचे पहुंच गए तो उधर बाबा जी का पाँव मुड़ गया। पाँव मुड़ने से काफ़ी दर्द हुआ, पर बाबा जी ने किसी को बताया नहीं, किसी को अपनी फेस एक्सप्रेशन से महसूस भी नहीं होने दिया। और जब हम लोग ऊपर चढ़ के मेन रोड पे पहुँचे, वहाँ गाड़ी में बिठा के एक्सरे के लिए लेके गए बाबा जी को, तो डॉक्टर ने कहा पैर का मांस फट गया है, 2-3 हफ्ते अब बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। सत्संग जी, जब हम घर पहुँचे, हमें समझाने के लिए बाबा जी ने बताया सबको, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो एक बार तो मुझे बहुत महसूस हुआ, क्योंकि मसूरी ही आके मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरी सैर भी हो जाती है, और अब मैं 2-2.5 हफ्ते ये नहीं कर पाऊँगा। पर साथ ही बाबा जी फरमाने लगे कि अगले पल जब मुझे निरंकार का ध्यान आया तो निरंकार की रज़ा उसको माना, और निरंकार की रज़ा मान के चाहे उस चोट ने ठीक होने में टाइम भी उतना ही लिया और दर्द भी उतनी ही देर में गया जितनी देर में डॉक्टर ने बोला था, पर जो मन में पहले बेचैनी सी थी वो ठीक हो गई। सत्संग जी, ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी। हम जब भी टूर पे जाते थे तो हमेशा मेरी आदत थी, मैं पलकों की नुक्कड़ देखती साफ़ है कि नहीं, पर्दे के पीछे या खिड़कियाँ सब चेक करती साफ़ है कि नहीं। एक बार हम लोग किसी बहुत इंटीरियर छोटे से शहर में गए, वहाँ पे शायद होटल था या गेस्ट हाउस था, मुझे याद नहीं। उस कमरे में ज्यों ही घुसे, उसमें जाले, काफ़ी जाले थे, मच्छर थे, छिपकलियाँ थी, मेरे को तो अंदर घुसने से ही जैसे डर लगने लग पड़ा। तो फिर सब जो साथ में थे, किसी ने गुड नाइट जलाई, कोयल जलाई या कछुआ छाप जलाया, पर वो मच्छर वहाँ से जाए ही ना। फिर उधर ही किसी लोकल महापुरुषों ने बोला आप वो गोबर की पाती जला दो, सब मच्छर उड़ जाएंगे कौडंग से। उसको जब जलाया तो मच्छर सारे थोड़े उड़ गए, थोड़े वहीं पे मर गए। पर वो इतना रूम में मेरे को इतना अजीब सा लग रहा था, खैर बिस्तरे पे लेट तो गए पर जैसे रेस्टलेसनेस, नींद भी नहीं आ रही। और बाबा कहें सो जा अब तो सब ठीक है थोड़े। और जैसे आप सब जानते हैं बाबा को रात को सोने से पहले थोड़ी चरणों की सेवा करवाते थे सत्संग जी, थोड़ी देर वो महापुरुष सेवा कर ही रहे थे तो उसी पलंग का एक पैर टूट गया। ऑलरेडी रात के 3-4 बज चुके थे, अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पलंग को ऊंचा कैसे किया जाए। इतनी देर में किसी ने कहा गाड़ी में से जैक ले आओ और बेड के नीचे लगा दो, ऊंचा कर देते हैं बेड पे। वो रात को बेड के नीचे जैक लगाया और हम सब सोए। मैंने तो बीच में एक बार ऐसे भी बोल दिया चलो गाड़ी में सो जाते हैं, पर बाबा ही कहते नहीं अब तो ठीक है सब, अब सो जा। मतलब जैसे भी हालात थे बाबा ही ने एकदम एडजस्ट करा और कोशिश करी कि हम सब भी एडजस्ट करें उन हालातों को। सत्संग जी, अवनीत जी के बारे में भी आप सब जानते हैं, एक छोटे से समय में उसने सबको इतना प्यार दिया, सबसे इतना प्यार लिया। सत्संग जी, उसे क्रिकेट का बहुत शौक था, रोज़ क्रिकेट प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक बच्चे ने उसको बोला भैया आप तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आगे से अवनीत ने बोला मैं रोज़ रोज़ प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ ताकि जिस दिन मैच हो मैं बहुत अच्छा खेल पाऊँ। इसी बात को अभी ने संगत के साथ जोड़ते हुए आगे बात बढ़ाई, कहने लगा हमें संगत भी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि हम जो जो संगत करते हैं हमारे अंदर भक्ति,
हमारे अंदर प्रीत प्यार की आदत आती है, और जब ये आदत आती है तो ये हमारा स्वभाव ही बन जाती है, और फिर हमें कभी कोई भी मुश्किल हो तो हम कतराते नहीं हैं, हम कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में हम लोग निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं। सत्संग जी, कुछ समय पहले एक बहन आई, कहने लगी, माता जी मेरा बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम अवनीत रखा है, और साथ में उसने ये भी कहा, कहती जब ये पैदा नहीं हुआ था तब से ही मैंने सोचा था मैं इसका नाम अवनीत रखूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नाम मैं अवनीत रखूंगी, आप आशीर्वाद दो, इसके अंदर अवनीत जी वाले सारे गुण भर दो। सत्संग जी, निरंकार कृपा करे हर घर में लंबी उम्र के साथ अवनीत जी वैसी ह्यूमिलिटी और गुणों वाली, अवनीत जी वाले संस्कार वाले बच्चे हों। सत्संग जी, बाबा जी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करी इंसानियत के लिए, अगर उन्होंने संगत को एक माँ का दर्जा दिया तो संगत के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए, पूरी तरह से डिवोटेड थे वो संगत की तरफ, और दूसरी ओर उन्होंने संगत को एक परिवार माना, हमेशा यही कहा ये 8-10 जने घर के मेरे परिवार नहीं है, ये पूरी की पूरी संगत मेरा परिवार है। और अगर संगत को परिवार माना तो एक पिता की तरह एक एक बच्चे को उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखा, सबका इतना ध्यान रखा। सत्संग जी, बाबा जी तो समर्पित हुए, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, क्या जो बाबा जी ने हमसे चाहा वो हम कर पा रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ हमारे और सिर्फ हमारे पास ही है। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।